अगर आप लोग बिगनर हो और अगर आप लोग जिम जाने वाले हो तो आप लोग को ये 5 मिस्टेक्स है ये अवॉइड करने होंगे। सबसे पहला मिस्टेक है प्रोटीन इंटेक को कम रखना। प्रोटीन इंटेक को आपको बढ़ाना होगा। कार्ब्स ऑलरेडी हम लोग डे टू डे लाइफ में खाते ही रहते हैं बट प्रोटीन नहीं लेते हैं, प्रोटीन को आप लोग के इंक्रीज करना होगा। सेकेंड मिस्टेक है, जब भी हम जिम में जाते हैं स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग करने लग जाते हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब आप लोग एक ही पार्ट को होल्ड करके रखते हो 20 सेकंड तक, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। आप लोग जब भी जिम में आते हैं आप लोग को स्ट्रेचिंग नहीं करना होता है, आप लोग को वार्म अप करना होता है। तीसरा मिस्टेक है, आप लोग जिम में आके किसी का भी वर्कआउट फॉलो करते हो। आप लोग को आपका अलग से वर्कआउट करना होगा। आप लोग बिगनर होते हो तो आप लोग दूसरे का वर्कआउट देख के आप लोग बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते हो। चौथा मिस्टेक है, आप लोग कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा नहीं लगाते हो। जो भी कंपाउंड मूवमेंट होते हैं वो सब आप लोग स्किप कर देते हो, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट। आप लोग जितना ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट लगाओगे, हैवी वेट उठाओगे, आप लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होगा। पांचवा मिस्टेक है, आप लोग सप्लीमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिलाई हो जाते हो। आप लोगों को डाइट भी आपका ठीक करना होगा। आप लोगों का डाइट नहीं ठीक होगा तो वो सप्लीमेंट भी आपका काम नहीं करने वाला। अगर आप लोग बिगनर हो और आपको कुछ भी क्वेरी होगी तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और ऐसे ही और भी फिटनेस टिप्स के लिए मुझे जरूर फॉलो करना।